सई के जन्मदिन ने तो मानो हर किसी के दिल में एक खास जगह बना ही ली है और चवा निवास का माहौल भी काफी ज्यादा खुशनुमा हो गया है आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है पूरी फैमिली के साथ जो कि डिनर टेबल पर साथ में बैठी होती है और सई पानी लेने के लिए उठती है विराट यहाँ पर सई का हाथ पकड़ता है और उसे साइड में खींच लाता है और वह सीधा उसे गाड़ी में ले जा के बिठा देता है सई कहती है विराट सर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं क्या हम कहीं जा रहे हैं क्या और सरप्राइज है विराट जिन

सही कहती है विराट सर थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए इतना सोचा और मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया लेकिन कुछ ही टाइम पहले तो आपने रूबी का पेंडेंट दिया था मुझे विराट कहता है कि अनमोल रिश्तों के लिए चीज़ों का मोल नहीं देखा जाता और हमारा रिश्ता अनमोल है सही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन सही कहती है विराट साहब पहले मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पहले मैं कहूँगी विराट कहता है कि बड़ा कौन है मैं ना तो मैं कहूँगा सही कहती है लेकिन लेडीज़ फर्स्ट होता है ना और इन दोनों की पहले मैं पहले मैं के चक्कर में विराट को जैसे ही मौका मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कांपते लफ्ज़ों से सही को प्रपोज करके अपने दिल की बात बताने वाला ही होता है और अपने आप में सोचता है कि आज चाहे जो हो जाए मैं सही से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा तभी यहाँ पर सही का फ़ोन बज जाता है और वो कहता है कि अब किसका फोन है वो कहती है कि आई का फोन है सब लोग हमारा खाने के लिए वेट कर रहे हैं सबको वेट करवाना अच्छी बात नहीं है सब नाराज हो जाएंगे और सही बिना कुछ सोचे समझे विराट को वो रिंग वापस देकर दौड़ती हुई अंदर भाग जाती है विराट का चेहरा यहाँ पर उतर जाता है और वो वापस अंगूठी रख कर अंदर चला जाता है बाद में दिखाया जाएगा कि दोनों डिनर के लिए आएंगे जहाँ पर पाकी वहां से गुजर रही होगी अश्विनी कहेगी पत्रलेखा आओ तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ब्रेड बटर क्यों खा रही हो लेकिन पत्र लेखा मैडम तो अपने ही टशन में है वो खाना खाने से मना कर देती हैं सई यहाँ पर पाखी को कन्विंस करती है लेकिन वो बार बार मना कर देती है विराट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रिप्लाई करता है और कहता है कि अगर किसी को साथ में खाना नहीं खाना तो पहले ही बता दे इससे बेहतर होगा कि मैं और सई अपने बेडरूम में जा के खाना खा लें यह बात सुनकर घर वाले अपसेट हो जाते हैं विराट जैसे ही टेबल को छोड़कर जा ही रहा होता है पाखी उससे सवाल पूछती है कि क्यों क्या तुम मेरे साथ सेम टेबल पर खाना नहीं खा सकते यहाँ पर इन दोनों का हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा जिसे चुप कराएगी सई सई यहाँ पर विराट का आशीर्वाद लेगी उसके पैर छूकर और ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे स्पेशली भवानी अश्विनी यहाँ पर मोदक देगी सई को और कहेगी हक करते हुए कि ये तुम्हारा सरप्राइज़ है विराट ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है सई को अपने आबा की याद आ जाएगी कि कैसे उसके आबा उसे मोदक खिलाया करते थे और वो बहुत इमोशनल हो जाएगी विराट कहेगा कि मुझे याद है पुलिस स्टेशन में हमेशा कमल सर के हाथ का बना मोदक खा के सब बहुत खुश होते थे कमल सर अक्सर सही के जन्मदिन पर या फिर कुछ खास मौकों पर मोदक बनाया करते थे सैयद सुनकर बहुत इमोशनल होती है मोदक देख कर वो रोती रहती है और विराट को थैंक्स कहती है पाके यहाँ पर डिनर के लिए फाइनली ज्वाइन करती है जहाँ पर अश्विनी सबको खाना सर्व करने के लिए शुरू करती है बाद में भवानी अश्विनी को रोकती है और कहती है कि रुक जाओ आज तुम अपनी इस ड्यूटी से ऑफ ले लो आज खाना सबको मै मैं सर्व करूंगी। ये बात सुनकर सब वहाँ पर बैठे शॉक्ड हो जाते हैं सई और अश्विनी यहाँ बैठते हैं और पूरी फैमिली डिनर करती है जहाँ पर सबको भवानी अपने हाथों से खाना परोसती है सई सोचती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही भवानी काकू वो भी सुपर हैप्पी हु मैं है कि उन्होंने मुझे खाना सर्व किया है वो भी बिना ताने मारे क्या बात है सही आज तो तेरा दिन ही बन गया यहाँ पर सही अपने मुंह पर यानी कि अपने होठों पर उंगली रख कर चुप बैठती है ऐसा भवानी उसे करने के लिए कहती है और भवानी उसे बड़े अच्छे से खाना सर्व करती है और सब अपना टेस्टी खाना को इंजॉय करते हैं तभी अचानक से सही की डोर बैल बजती है विराट दरवाज़ा खोलता है और देख कर हो जाता है क्योंकि सामने अजिंक्य अपने दोस्तों के साथ आया होता है सही ने देख बहुत ज़्यादा हैप्पी और सरप्राइज होती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंट्री से विराट भी सरप्राइज़ होता है और सोचता है कि इन्हें किसने बुलाया मैंने तो इन्हें नहीं बुलाया यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अजिंक्य ज़बरदस्ती सही को अपने हाथों से केक खिलाएगा जो विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा विराट को होगी अजिंक्य से जलन जिसके बाद सही विराट को अपने हाथों से केक खिलाएगी तो विराट खाने से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं मुझे भूख नहीं है मुझे खाना नहीं खाना और ना ही मुझे केक खाना सही समझ नहीं पाएगी कि अभी अभी तो विराट सर इतने ज़्यादा खुश थे आखिर अचानक से नहीं क्या हो गया और यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाले एपिसोड में जिसमें अपने आप में ही विराट की जेलेसी वाला ट्विस्ट देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग